गया है सेशंस में आगे बढ़ने का और हमारी अगली गेस्ट भोपाल में जन्मी है लेकिन मुंबई आते ही सबके दिलों पर छा गए। इनके परिवार का तो एंटरटेनमेंट की दुनिया से दूर का भी नाता नहीं, फिर भी 6 साल की उम्र से स्टेज से इन्हें बड़ा प्यार रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि गोरी मैम की, फेमस टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन की अगर हम बात करें तो दुनिया में अपनी खास पहचान ये रखती हैं। टीवी होस्टिंग से लेकर एक्टिंग, राइटिंग, कविताएं लिखना हो, हर फील्ड में इन्होंने महारत हासिल की है। हर फील्ड में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पीछे सुना था लेकिन एक आप सेंटेंस बोल रही थी ना कि कभी कभी ये होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सच में ऑक्सीजन की कमी हो गई आपको देखने के बाद। थैंक यू सो मच। और ये सच है कि इतना टैलेंट और 6 साल की उम्र से स्टेज को फेस करना, मैं सब पे आऊंगा लेकिन एक खास बात है इनकी। सौम्या को सब जानते हैं, भाभी जी से सब परिचित हैं लेकिन एक नाम इनका और है, ये नाम ये खुद आज बताएंगी। मैं तो इनसे बात कर रहा था, गुफ्तगू कर रहा था, 6 साल की उम्र में इनको शहर किस नाम से जानता था उज्जैन, मैं जानना चाहता हूं। पहले एक जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद। और क्या बात है भाभी जी, आज कुछ वो बहुत ज्यादा एनर्जी लो क्यों लग रही है आपकी? लो एनर्जी लग रही है? हाँ, ऐसी बात है। और कैसी बात है, आप आज आपके होंठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा नहीं रहे, आज आपके होंठ ज्यादा जोर से शोर कर रहे हैं। तो अब मुझे भी थोड़ी अब ऊर्जा मिल रही है उससे। थैंक यू सो मच जी। 6 साल की उम्र में उज्जैन किस नाम से परिचित हुआ? 6 साल की उम्र में दरअसल मेरा शहर मुझे एक कवित्री के रूप में जानता था। कवित्री? जी जी, मैं कविताएं लिखा करती थी और 6 से 16 साल की उम्र तक मैंने जो कुछ भी लिखा उसे प्रकाशित भी किया गया और मेरी पहली किताब का नाम था मेरी भावनाएं। किताब भी लिख दी? जी जी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा जो शहर उज्जैन है वो बहुत ही महान दिग्गज विद्वानों का शहर है। शिवमंगल सिंह सुमन जी हमारे शहर के हैं, उन्होंने मुझे चाइल्ड प्रोडिजी की तरह फेलिसिटेट किया था और ज्ञानपीठ अवार्डी श्री नरेश मेहता जी ने मेरी किताब की भूमिका लिखी थी और उन्होंने आज तक सिर्फ एक किताब की भूमिका लिखी है और वो मेरी किताब की भूमिका। क्या बात है। जिसकी किताब 6 साल की उम्र में लिखी जा रही हो, जो 6 साल की उम्र में कविता सुना रही हो और वो रोल उसको मिला भाभी जी। लेकिन बड़ी इत्तफाक, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, मुझे जानना है और लोगों को भी जानने की बड़ी उत्सुकता होगी। मैं जानना चाहूं 6 साल की उम्र में वो कविता कौन सी थी जो आपने सुनाई थी? दरअसल मैं भोपाल में थी 6 साल की उम्र में और मेरा जो घर था, जो इत्तफाक से मैं अभी पिछले हफ्ते देख के आई क्योंकि मेरा बड़ा दिल था कि मैं देखूं कि मैं किस घर में मेरा जन्म हुआ है, तो उस घर के आउट हाउस में हमारे जो हमारे काम करते थे हमारे घर में वो रहा करते थे और उनसे मेरा बहुत लगाव था क्योंकि बचपन से ही वो मुझे खिलाते आए। और मेरे पड़ोस में जो घर था वहां पर हमारे एक भैया थे, मुन्ना भैया, वो पायलट थे और वो मुझे जब भी आते थे अपने प्लेन से तो वो मुझे चॉकलेट्स दिया करते थे, तो मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी।
तो उनकी शादी का वक्त था और उनकी शादी होने वाली थी। मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर था, बहुत महीनों से तैयारी हो रही थी कि कौन सी फ्रॉक पहनी जाएगी और क्या होगा। और जो आउट हाउस में मेरे जो मुझे बचपन से देखते थे, उनकी डेथ हो गई उसी शाम जिस शाम मुझे शादी में जाना था। तो मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि पीछे सब रो रहे हैं और मुन्ना भैया की शादी बगल में है। तो सिर्फ उसी वक्त मैं बहुत परेशान थी, रो रही थी। फिर पापा ने कहा नहीं, जाना पड़ेगा, मुन्ना भैया की शादी है और पीछे डेड बॉडी रखी हुई थी। तब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, एक तरफ आदमी मर रहा है, रोना धोना चल रहा है, दूसरी तरफ शादी हो रही है, हंसना गाना चल रहा है, मैं बीच में खड़ी सोच रही हूँ जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है। क्या बात है। जो और ये आपने कविता लिखी 6 साल की उम्र में, मैंने ऐसा कहा अपनी माँ से। और मेरे पापा को माँ ने बुलाया, पापा ने उन्होंने कहा देखो इसने क्या बोला आज। और फिर पापा ने कहा कि बेटा तुम रिकॉर्ड किया करो, जब भी तुम्हें कुछ ऐसा लगे तुम इसे रिकॉर्ड करो। फिर रिकॉर्ड होता था, फिर उसको धीरे धीरे लिखा गया, और फिर सब कुछ जब मैं खुद लिखने लग गई उन सब चीजों को कलेक्ट करके फिर एक किताब बनाई गई। और वैसे हम तो कविता ज्यादा जानते नहीं, ना कविता का कोई मुझे कोई बहुत ज्यादा इल्म है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ एक मुहावरा है, होनहार बिलवान के होत चीखने पास। और आपकी वो जो 6 साल की प्रतिभा, तो कविताएं आप लिख रही हैं या बंद कर दिया भाभी जी से के बीच में, वो कविताएं लिखना कहीं बंद हो गया? इतना तो मैं नहीं लिखती हूँ अब ऑनेस्टली। और चूंकि मेरे परिवार में बहुत पढ़ाई पर जोर रहा, पिताजी मेरे प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के, मेरी जो माँ थी वो आर्टिस्ट थी, प्रोफेशनल पेंटर थी, तो घर पे पढ़ाई पर बहुत फोकस था। तो फिर कंपेटिटिव एग्जाम्स में लग गए तो इतना ध्यान हट गया। फिर बम्बई आ गए, बम्बई की अपनी जद्दोजहद में लग गए, हमारी इस चकाचौंध की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लड़ाई में जुट गए। कभी कभी बीच में लिखती हूँ, कभी कभी लिखती हूँ, लेकिन उतना नहीं लिखती जितना लिखना चाहिए। अब कंटेंट बदल गया क्योंकि 6 साल में तो फिलोसफिकल अंदाज था, अब कुछ रोमांस आ गया और या कुछ रोमांटिक थीम आई, या कविता अपने आप में ही अलग होती जब जहां जैसा मूड? मैं थोड़ी सी संजीदा हूँ, मैं थोड़ा सा जब उदास हो जाती हूँ या जिसे कहती हूँ लॉस्ट हो जाती हूँ तो ही मैं लिखती हूँ। और मेरी थोड़ी कंटेम्प्रेरी पीसेस होते हैं, थॉट पीसेस होते हैं मेरे लिए। जैसे अगर आप कहें कि मुझे याद है कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही अलग था जहां से मैं आई उज्जैन से, जब मैं आई बॉम्बे तब मैं किसी को नहीं जानती थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, दूर दूर तक किसी का कोई, मेरे परिवार के कहीं किसी का कोई नाता नहीं था। तो वहां जब मैं पहुंची तो मुझे काफी अकेलापन लगता था, बहुत ही एक शिफ्ट ऑफ थॉट भी था, शिफ्ट ऑफ जिस तरह से लोगों की परवरिश है वो अलग थी, लोग अलग किस्म के थे। तो जैसे उस अकेलेपन पे मैंने लिखा। अच्छा, तो इस तरह के जो मेरे पीसेस हैं दे आर मोर थॉटफुल एंड पेंसिव इफ आई हैव टू से। मतलब एक चीज मैं कह सकता हूँ कि आप जैसा दिखती हैं वैसा है नहीं। और जैसा है वैसी दिखती नहीं है। मतलब आपको देख के ये लगता है कि एक चुलबुलापन, एक जो मुंबई का जो एक आइडिया बनता है उसको देख के लगता है कि बिल्कुल वैसा सौम्या का होना चाहिए या भाभी जी को होना चाहिए, और उस कैरेक्टर में भी वो नजर आता है, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत। जी, ऐसा कहा जाता है कि द मोस्ट स्माइलिंग फेसेस एंड लाफिंग फेसेस हैव अ वेरी ह्यूज डीप सैड हार्ट। मुझे मालूम है आपका सवाल, आपका क्या इनसे जो पूछा जाना, मैंने तो इतना तो मुझे भी मालूम है और वही सवाल मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ऐसा क्या गम है जो छुपा रहे हैं? नहीं, गम नहीं है, इट इज नॉट गम, लेकिन बस अपना नेचर होता है। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुना आपको ये सवाल अक्सर पूछा गया आपसे कि भाभी जी करना नहीं चाहते थे तो कर इसलिए लिया कि कुछ नहीं था इसलिए कर लिया, या उस अकेलापन जब गए मुंबई, शिफ्ट ऑफ प्लेस, शिफ्ट ऑफ थॉट, सब तमाम चीजों के बीच में कहीं दिमाग आया कि नहीं चलो कर लेते हैं भाभी जी कर? नहीं, ऐसा नहीं कि भाभी जी मेरा पहला प्रोजेक्ट है, भाभी जी के पहले भी मैं बहुत कुछ काम कर चुकी हूँ। फिल्म भी कर चुकी हूँ मैं, 14 शोज होस्ट कर चुकी थी, एक टीवी पे शो भी कर चुकी थी, लेकिन मेरा मानना यह था कि मुझे डेली सोप की दुनिया में नहीं जाना है, क्योंकि डेली सोप में क्या होता है कि कहानी की कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता है, तो फिर कहानी बिखरती रहती है और फिर
फिर वो पता नहीं कहाँ से शुरू होती है, कहाँ चली जाती है। तो इसीलिए मेरे दिमाग में था कि मुझे डेली सोप नहीं करना है। तो जब मुझे, क्योंकि जी के साथ मेरा बहुत लंबा संबंध था और उनके साथ मैंने बहुत सारे हिट शोज किए थे, डांस इंडिया डांस मैंने जब शो होस्ट किया था तो वो बहुत पॉपुलर था, तो उनका नया चैनल आया तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोई नॉन फिक्शन शो दीजिए, ये डेली सोप तो मुझे नहीं करना है। लेकिन वो उनके दिमाग में था कि ये रोल मेरे लिए ही है और ये आप ही को करना है। तो बहुत वक्त के बाद मैं कन्विंस हुई कि ये मुझे करना चाहिए। लेकिन जब मैं सेट पर पहुंची और जब मैंने देखा कि हमारे जो राइटर हैं मनोज संतोषी जी, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं शशांक, जो हमारे साथ एक्टर्स हैं आसिफ शेख और रोहिताश गौड़, वो बहुत बढ़िया टैलेंट है और बहुत ही अलग किस्म का शो है जिसमें एक्चुअली भाषा है, हिंदी है, अच्छे कलाकार हैं और टिपिकल सास बहू और ड्रामा नहीं है। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ मजा आएगा और फिर मैंने उसे कंटिन्यू किया। हालांकि मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा था कि भाई एक साल से ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करिएगा, लेकिन वो एक साल साढ़े पांच साल हो गए। लेकिन अब क्या, जब उसमें तो कैरेक्टर उसको करने वाले लोग बदलते चले गए, जो बदले तो जो बदले हुए लोग हैं उनको भी तरफ निगाह जाती है, तो मतलब कैसा लगता है उसको, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई कैरेक्टर कोई और प्ले कर रहा है और आप इधर से देख रहे हैं स्क्रीन से, जबकि बनाया आपने, उसका खोल, उसका ढांचा आपने तैयार किया। दरअसल मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में टीवी नहीं है। मेरे घर में टीवी नहीं है। अच्छा। क्योंकि बहुत, मतलब शुरू के तीन या साढ़े तीन चार साल बाद मैंने वो शो देखना बंद कर दिया, तभी मुझे ऐसा लगा कि अगर वो मैं अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, तो मुझे जहाँ ऐसा लगने लगा कि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बियॉन्ड वॉट आई हैव ऑलरेडी डन, तो मुझे लगा कि फिर दिस इज द पॉइंट आई शुड मूव ऑन। लेकिन ये लोग, जितने लोग हैं इसमें, इनमें से दिमाग में सबके एक ये सवाल आ रहा होगा कि भैया जी ने इतनी देर से इनसे पूछा क्यों नहीं कि वो एक कैरेक्टर में जरा थोड़ा सा अंदर जाइए और फिर बाहर क्या होके आइए। एक तो आप आर्टिस्ट हैं, एक बार थोड़ी देर के लिए उस कैरेक्टर में जाइए, हालांकि इट्स वेरी टफ आई नो, लेकिन आप जाइए और उसके बाद आप ये कर सकती हैं और आप बाहर आइए, सो दैट कि द पीपल जो यहाँ पे मौजूद हैं वो रिकॉग्नाइज तुरंत कर लें कि देखिए भाभी जी तो चली गई, भाभी जी में कैरेक्टर में आ गई, एंड देन यू कम बैक। ऐसा करके कुछ याद हो आप कोई? ओ ऐसा मैं कुछ, भैया जी आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बात कर रहे हैं या फिर आप गुनगुना रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? ये आपकी मूंछ है या ये कोई ब्रश है? प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम एंड जस्ट गेट लॉस्ट। हुई हुई और मुझे मालूम है कि सोते हुए लोगों को कैसे जगाना चाहिए, मुझे मालूम था कि ऐसे ही उठेंगे या ऐसे नहीं उठने वाले, रायपुर के लोग हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी सुस्ती आती है। लेकिन ये सच है कि MBA करने के बाद फिर दिमाग में कैसे आया कि ये, अच्छा ये आपको पता ही था ना पहले से कि आप खूबसूरत तो हैं, तो ये तो आपको पहले ही से ही पता था, तो आप इस वजह से इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे या बोले नहीं पापा प्रोफेसर मम्मी आर्टिस्ट चित्रकार तो मैं तो अलग जाऊंगी कुछ और अलग करूंगी, इस वजह से क्या था? नहीं, मंच से मुझे बहुत प्यार था, बचपन से मैं स्टेज पर रहा करती थी हमेशा, डिबेट, एलोक्यूशन, पोएट्री रेसिटेशन में आगे थी, तो मंच से मुझे प्यार था, माइक से मुझे प्यार था, राह क्या होगी ये नहीं पता था क्योंकि छोटे शहर में इतना एक्सपोजर नहीं होता, अब तो सोशल मीडिया है, तो ये तो मुझे पता था कि आई हैव टू गो इन अ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो जब मैंने अपने सब, अपनी MBA और सब मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली और फिर जब मैंने पापा से कहा कि ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो आई थिंक आई विल जस्ट एक्ट। और बचपन में उज्जैन में भी हमारा कालिदास समारोह हुआ करता था जहां पर मैंने बाल जो चाइल्ड थिएटर है वहां किया है, अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने संस्कृत में पूरा प्ले कालिदास अकेडमी में किया है। और हमारे जो थिएटर वेटरन हुआ करते थे हबीब तनवई जी, उन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिया, मतलब प्राइज दिया था, क्योंकि मैंने 12 साल की उम्र में पूरा प्ले संस्कृत में एक बार और पूरा प्ले हिंदी में एक बार मैंने परफॉर्म किया था। बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो आपको कब लगा कि जब आप मुंबई पहुंचे तो मुंबई ने दोनों हाथ खोले आपको कि सौम्या टंडन आ रही हैं
और इनका स्वागत है, ऐसा हुआ या लगा कि अरे कभी लगा कि कहाँ आ गए, इससे अच्छा तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते? मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, उस वक्त मैं दिल्ली में थी जब मैं एमबीए कर रही थी, और मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, फेमिना कवर गर्ल 2006, जिसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी, और फिर मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी कॉलेज के दौरान ही, क्योंकि मेरे फादर का देहांत हो गया था, वो रिटायर भी हो गए थे, तो हम अपनी कॉलेज की फीस खुद ही जनरेट करते थे, तो आई यूज टू डू दिस। और उस वक्त फिर मुझे मुंबई से फोन आया कि एक हमारा शो है सोनी टीवी का, उसके ऑडिशन के लिए आप आ जाइए। तो मैंने उनसे कहा कि टेलीविजन सीरियल तो मुझे करना नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप सिर्फ ऑडिशन देने आ जाइए और हम आपको टिकट भेज देते हैं। तो प्रोड्यूसर ने टिकट भेजी और मेरा पहला ऑडिशन था, बस उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं डेली सोप सास बहू नहीं करना चाहती थी। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि देखो बेटा तुम तो बॉम्बे में किसी को जानते नहीं हो, और जिस तरह से तुम शुरुआत करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें वहां जाकर वेट करके स्ट्रगल करके वहां रहना पड़ेगा, तो इट इज बेटर कि तुम कोई काम लेकर बंबई चली जाओ और फिर वो करो जो तुम करना चाहती हो। तो इस तरह से मैं बंबई आई। आप रैंप में वॉक कर रही थी, आप अभिज्ञान शाकुंतलम 12 साल की उम्र में पूरा प्ले याद है आपको, आप खूबसूरत हैं इसमें तो हम क्या हैं, ये नहीं है भाई ये रायपुर है या मैं सोच रहा हूं कोई कौन सी जगह है, अरे बताइए ना ताली बजा के। और ये मैं सोचिएगा कि मैं बार बार ये क्यों कहता हूं, बार बार इसलिए कहता हूं कि आप बताते रहिए मुझे हां है। इतना सब होने के बाद फिर आपको ये लगा कि मुंबई में आपको वो चीज जिसका वेट कर रही थी आपको कि हाथों हाथ मिल जाएगा, वो मिल पाया नहीं मिल पाया, या वो अफसोस रह गया, या अभी भी लगता है कि ठीक है, क्योंकि आपके पास वो कहते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन वाली बात सब है, लेकिन फिर क्या? बहुत मुश्किल है एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में, जिस तरह से आप शुरुआत करना चाहते हैं उस तरह से शुरुआत करना मुश्किल है। अब शायद थोड़ा बेहतर है, जिस वक्त मैं आई थी 2007-2008 उस वक्त बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक मीडियम है टेलीविजन और एक मीडियम है फिल्म, उसके बीच में कुछ भी नहीं, और फिल्म में एंट्री करना बहुत मुश्किल था क्योंकि फिल्म एक बहुत ही हमारे ट्रेडिशनली हमारी इंडस्ट्री बहुत क्लोज्ड इंडस्ट्री है, जहां कुछ फैमिलीज हैं, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो वहां पर एंट्री बहुत मुश्किल, जैसे जो बांद्रा में या जुहू में जी जो बहुत फिल्मी फैमिलीज हैं या जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, इट इज अ बिजनेस फॉर देम, तो इट इज वेरी बहुत लाजमी सी बात है कि आप जिनके साथ कंफर्टेबल है काम करने में उन्हीं के साथ आप काम। अच्छा फर्ज करिए अगर आप टंडन ना हो कि कपूर होती तो फर्क होता? बात शायद फिर कुछ और होती। और ये शायद जिसका इल्जाम लगता रहता है इंडस्ट्री पे वो कहीं ना कहीं सच है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल 100% 100% सच है कि अगर आप इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, आप फिल्म बैकग्राउंड से हैं, तो आपको ज्यादा मौके मिलेंगे, आप 2-3 बार गिरेंगे आपको 100 मौके और मिलेंगे और आपका ब्रेक आसान होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा इंडस्ट्री डेमोक्रेटाइज हो गई है, क्योंकि OTT के आ जाने से मेरिटोक्रेसी है। आज एक बहुत बड़ा सितारा भी अगर OTT पे कोई बड़ा शो लेकर आता है और वो शो अच्छा नहीं है तो उसे कोई नहीं देखता। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो मुंबई जाना चाहते होंगे या मुंबई का रुख करेंगे, कोई है ऐसा जो जाना चाहता है या कोई है जिसके अंदर दबी इच्छा है, या चलिए अच्छा ये दोनों सवाल छोड़िए, किसी की इच्छा है कि स्टेज पे आके सौम्या के साथ फोटो खिंचा ले? देखिए कितने लोग, अब इसी में से एक के पास मैं आता हूं, फंस तो गए हो तुम जी। आया मैं आया, मैं आपसे भी पूछता हूं, मैं आपका साय वेलकम, खड़ी होइए, क्या नाम है आपका? सानिया जैन। सानिया, सानिया एक तो बात की, ये तो पास आइए सामने आइए, सौम्या को भी देखना चाहिए, आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। अब सवाल पूछिए, क्या पूछना है आपको इनसे? मेरी भी तमन्ना है कि मैं एक्ट्रेस बनूं, बट मेरी चीज ही एक है कि मैं, मेरी हाइट बहुत कम है और जो चीज मुझे बहुत रोकती है। हाय बच्चा इधर आ जाओ, आ जाओ। अब आप ये बताइए कि अब बहुत लोकतांत्रिकरण हो चुका है, उसका हिंदी का वो ये है कि अब इंडस्ट्री में बहुत सारे, आप बैठ सकते हैं जी, इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप आ गया है, OTT है, प्लेटफॉर्म है, तो सौम्या का एडवाइस इनके लिए क्या होगा? ये इंडस्ट्री में आना चाहती है लेकिन इनकी हाइट कम है, तो क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं?
मैं ये बताना चाहती हूँ और मुझे इस बात में पूरा यकीन है कि टैलेंट का की कोई हाइट नहीं होती, टैलेंट की कोई सरनेम नहीं होती, वाह, टैलेंट का कोई सरनेम नहीं होता, टैलेंट की कोई हाइट नहीं होती, टैलेंट का कोई रंग नहीं होता, टैलेंट का कोई शहर नहीं होता, टैलेंट सिर्फ टैलेंट है। अगर सामने वाला आपको ये कहता है कि मंजिल मुश्किल है तो उनकी दिमाग में प्रॉब्लम है, आप में नहीं। वाह, आप ही की बात थी, इन्होंने अपने हिसाब से बताई। और सपने देखिए और पंख लगाइए और फिर कहां उड़ जाइए आसमान पे। हाँ जी, और हाँ, आप गा के बोले बताएं, पूछेंगे सवाल या यूं ही पूछ सकते हैं? वैसे मेरे पास तो कई सवाल हैं, लेकिन आप अपना नाम दीजिए, परिचय दे, और गाते आप बहुत अच्छा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल राजिक खान है। अब्दुल राजिक खान, आप रियाज करते हैं, उस्ताद कौन है आपके? मेरे गुरु हैं जयश्री नायर मैम, उनसे सीखता हूँ। बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं सुन रहा था जब आया था अंदर तो आप गा रहे थे, बहुत अच्छा। तो कुछ सवाल है आपका, पूछिए। मैं एक्चुअली एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ उनके लिए। रोमांटिक है कि नहीं है? शर्त यही है, मेरी शर्त यही है कि अगर वो रोमांटिक होगा तो गाने को मिलेगा, और अगर वो रोमांटिक नहीं होगा तो यह है कि फिर तुम मुझे कोने वोने में कहीं सुना देना है, है रोमांटिक, आ जाओ फिर क्या। अरे मैं भैया जी जो मंच पे हो, भाभी जी के लिए गाना चाह रहे हैं, आ जाओ। वेरी गुड, क्या नाम है साहब? आइए, नाम बताइए। वैसे अब्दुल राजिक खान जी, स्टेज के बीच में आइए और गाइए, लीजिए। तुम मिले देखी ली और जीने को क्या चाहिए, हाँ तुम मिले देखी ली और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया तुम्हें ले। राशिद साहब, उम्र क्या? अभी 12 साल। 12 साल, अभी रुको थोड़ा, जल्दी है ना? आप बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाते हैं। थैंक यू। तो आप भी जाना चाहते होंगे उधर ही, मुंबई जाना चाहते होंगे? हाँ, वो तो मुझे मालूम है। तो मुंबई जाना चाहते हैं, इनके लिए कोई एडवाइस दे दीजिए छोटी सी, फिर सवाल पे तो मैं पूछूंगा ये, या कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ अपनी अपनी कला पर फोकस करो, अपनी अपना जो क्राफ्ट है, जो आपकी कला है, उसको स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि वहां जाओगे, वहां तो हर कोई यही बोलेगा कि पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ पॉसिबल करने का एक ही रास्ता है, अपनी कला को बुलंद करो। ऑल द बेस्ट। तो जब इतनी, थैंक यू सो मच, प्लीज, तो इतना जब भीड़ थी उसमें सौम्या ने जगह कैसे बनाई अपनी, और वो जगह कैसे बन पाई, ये लोग जानना चाहते हैं, और वो स्ट्रगल का एक किस तरह का था? स्ट्रगल तो मुझे ऐसा लगता है हर आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो टॉप पे हो चाहे बॉटम पे हो। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। आई एम अ पेरिनियल स्ट्रगलर, मुझे पता है कि मैं हर जिंदगी में हर वक्त स्ट्रगल ही करूंगी, क्योंकि मैं बेहतर काम करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्किंग फॉर फेम। मैं सिर्फ फेम के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, या एक बड़ी गाड़ी या बड़े घर के लिए अगर मैं काम नहीं कर रही हूं, और मैं हर वक्त ये सोचूं कि इससे मुझे बेटर करना है, इससे मुझे बेटर करना है, इससे बेटर करना है, आई एम अ स्ट्रगलर। और अगर आपको सिर्फ फेमस होना है और बड़ी गाड़ियां चाहिए और करते रहना है, तो वो उसके बहुत वो फिर उसमें लिए स्ट्रगल नहीं है। इस बीच में हुआ ये कि OTT आ गया जी, और इसने बहुत सारी स्कोप खोल दिया। तो सौम्या या सौम्या जैसे लोग इंडस्ट्री में जो मौजूद है, वो उनके लिए क्या स्कोप खुला? क्योंकि उसके बाद अगला सवाल जो है मैं उसके बाद पूछूंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि OTT ने क्या किया, जैसे क्योंकि आपने कहा कि फिल्म और टीवी जी वो दो ही चीज थी जब आपने शुरू किया, लेकिन अब तो OTT है जी। यही मैं बताना चाहूंगी कि OTT की वजह से एक बहुत अच्छी चीज ये हो गई कि बहुत सारे अच्छे कलाकार जिनको फिल्मों में मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि फिल्म ट्रेडिशनली सिर्फ वॉज अबाउट अ हीरो हीरोइन एंड स्मॉल कैरेक्टर एक्टर्स, जिनके लिए कोई बहुत बड़े अच्छे रोल्स नहीं थे,
उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। जैसे हमने बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार देखे, चाहे मनोज बाजपेयी बहुत छा गए क्योंकि वो बहुत वक्त से फिल्मों में नहीं आ रहे थे, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अलावत, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हम लोगों को देखने को मिले जो शायद हम उनको उस तरह से नहीं देख पा रहे थे। बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे राइटर्स, उन लोगों को मौका मिला जिनको फिल्मों में मौका नहीं मिल रहा था। टेलीविजन की जो अपनी बंदिश होती है कि आप सिर्फ बहुत मासी कॉन्टेंट बनाते हो, डेली सोप चक्की की तरह बनाते हो, जहां क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्वालिटी पे फोकस कम होता है, उन लोगों को बेहतर कंटेंट बनाने का मौका मिला कि ज्यादा बजट, कम फाइनाइट सीरीज और ज्यादा वक्त के लिए प्रोडक्शन पे ध्यान देना। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि इंडियन ओटीटी अभी भी ट्रांजिशन फेज में है, उनको यह समझ में नहीं आया कि क्या एग्जैक्टली करना है। तो ऐसा नहीं है कि हर शो जो इंडियन ओटीटी पे आ रहा है वो बहुत बेहतरीन है, ऐसा नहीं है। अगर 10 आते हैं उनमें से सिर्फ एक या दो ही अच्छे होते हैं। हाँ, तो वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है शायद। मुझे बस उसी जिसपे आपने छोड़ा मुझे वहीं पे आना था। उन्होंने कहा कि ओटीटी पे जो कंटेंट है, जो आ रहा है, उसमें से उसका एक फिक्स मसाला है। फिक्स मसाला ये है कि उसमें 15% क्राइम है, 20 से 15 या 25% सेक्स है, और उसके अलावा 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 चीजें हैं, ये कंटेंट है। तो उसमें सौम्या अपने को कहां फिट पाती है इस कंटेंट और इस पूरे ओटीटी के? मैं जब भी किसी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के किसी हेड से जब भी बैठती हूँ, मेरी थोड़ी बहस हो जाती है। अच्छा। मैं उनसे ये कहती हूँ कि इंडिया के सबसे बेहतरीन 5 शोज पहले मुझे आप गिनाइए, और वो मुझे बताइए कि उन 5 शोज में ये क्या जो चारों चीजें आपने कही वो थी, नहीं थी, फिर भी आपको वही बनाना है, तो गलती किसकी है? इतनी शर्तों के थैंक यू सो मच। जो बेहतरीन 5 शोज थे इंडिया के, उसमें ना कोई स्टार था, ना उसमें वॉयलेंस था, ना सेक्सुअल कंटेंट था, लेकिन फिर भी अगर आपको वो तीनों बनाने हैं तो फिर रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है लेकिन फिर भी आपको गलत काम करना है, तो ये तो प्रॉब्लम इज विद द होल थॉट प्रोसेस ऑफ द मशीनरी। मैंने दूसरा ट्रांजिशन ले, हम आपके दूसरे पहलू पे बातचीत शुरू करें। इतना टैलेंट था, कविता से लेके एक्टिंग तक, एमबीए और कॉरपोरेट वर्ल्ड और दुनिया, रैंप वॉक सारी चीजें बताई, गाने का मन कभी नहीं हुआ यार? आज आपने सोच लिया है कि इसमें सब कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने सोचा कि कभी हो सकता है ट्राई किया, ये ट्राई नहीं किया। ये आपने गलत ट्राई किया। अच्छा, मैंने गलत ट्राई किया। मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ। अच्छा। मुझे म्यूजिक का शौक है लेकिन मैंने कभी फॉर्मली सीखा भी नहीं और मुझे आता ही नहीं है इतना। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फिर एक कोरोना के समय में और कोरोना के बाद में जब ओटीटी का सामने आ रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे सामने, बड़े स्टार्स आए और एक सोशल मैसेज के साथ आए, तो मैंने देखा कि आपका भी एक काम बहुत लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने सूद साहब को लोग देख रहे थे, और आपके ही एक कोलीग थे दीपेश, उनकी डेथ हुई, उसमें एक चेहरा आपका भी दिखाई पड़ा और वो चीज लोगों को बड़ी अपील की, और उसमें सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने आपके बारे में और कई चीजें लिखी। इंडस्ट्री में एक कोई इस तरह का सॉकर है नहीं, तो जब कोई आता है सामने या सोसाइटी के लिए या अपने कोलीग्स के लिए, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। जी, ये बहुत ही एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि दीपेश भान जो टीका मलखान का जो कैरेक्टर था उसमें वो मलखान का किरदार निभाते थे, और बहुत उनका सफ़र मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, बहुत वक्त से छोटे छोटे रोल्स कर रहे थे और बहुत मेहनत के बाद वो उभर रहे थे, अपनी पहचान बना रहे थे, और मुझे याद है कि जब हम सेट पे थे तो वो मुझसे अक्सर कहा करते थे कि मैं घर अपना खरीदना चाहता हूँ बम्बई में, मेरा एक सपना है, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं अपना घर खरीदूँ, और मुझे बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। फिर धीरे धीरे मैं उनसे पूछती थी ऐसा करो शायद अब लोन मिल जाएगा, तो उनको लोन मिला, फिर उनकी शादी नहीं हो रही, मतलब शादी की बात चला करती थी और सब कहते थे शादी करो, मजाक करते थे सबके, तुम्हारी उम्र हो गई शादी करो, फिर उनका मेरे सामने ही उनकी शादी हुई, फिर उनको बेबी हुआ और अचानक से ये सब कुछ उनके साथ हुआ और वो अचानक से चले गए, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। और जब मैंने वहां जाकर देखा कि उनकी बहुत ही यंग सी वाइफ थी, 28-29 साल की उम्र में उन्होंने अपने हस्बैंड खो दिया, वो दिल्ली से आई थी, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था, वो हाउसवाइफ थी, उनको बेबी हुआ था अभी,
तो मुझे बहुत तकलीफ हो गई और उनके पेरेंट्स भी नहीं थे दीपेश के, और जब मैंने देखा कि उनके पास 60 लाख रुपए का होम लोन है और अगर होम लोन नहीं दिया गया तो वो नहीं ही दिया जाता क्योंकि कोई पेरेंट्स ही नहीं थे सपोर्ट करने के लिए, और लड़की के भी फादर नहीं थे, मदर हाउसवाइफ थी, तो कोई भी नहीं था सपोर्ट करने के लिए, तो वो घर तो नीलाम हो जाता और वो लड़की बेघर हो जाती छोटे से बेबी के साथ। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई उस बात से और मैंने सोचा कि क्या करूं। तो मैंने सिर्फ एक लिंक बनाया अपने सोशल मीडिया पे, सबसे पहले मैंने खुद पैसे डाले उसमें, हालांकि वो शो मैंने उस वक्त छोड़ दिया था, और मैंने सिर्फ एक अपील डाली कि मैं ये चाहती हूं कि इस बच्चे को छत मिल जाए। और सबसे दुख की बात ये थी कि उसने अपने होम लोन पे इंश्योरेंस नहीं लिया था, तो ये भी उसने बहुत बड़ी गलती की थी, तो इंश्योरेंस भी नहीं था। और मैं बैंक के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ 3 महीने की मोहलत दे दीजिए, आप रोक दीजिए इंटरेस्ट रेट और मुझे 3 महीने की मोहलत दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ करिएगा। तो वो उन्होंने रोक दिया और 28 दिनों के अंदर मैंने 50 लाख रुपीज कलेक्ट किए। वाह क्या बात है। तो सौम्या फॉर कॉज, ये भी एक पहलू नजर आया। और मेरी प्रोड्यूसर और बाकी एक्टर्स ने कुछ कलेक्शन करके उनको 10 लाख सब लोगों ने दिए, तो इस तरह से हमने उनका घर लोन बचा लिया। और जब मैं वहां गई बैंक में तो वो लोग तालियां बजाने लगे, उन्होंने कहा कि मैडम आप 28 दिन में ले आई। मैंने कहा बस अब आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए। फिर सबने कहा कि अब ये डॉक्यूमेंट उनका हो गया तो कोई भी क्लेम कर सकता है। फिर कोर्ट में जाके उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी मैंने दिलाया। मुझे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, एक छोटा सा, मैं आपको रोक रही हूं, कि ये सिर्फ मैं नहीं थी, ये सिर्फ सब लोग थे जिन्होंने हेल्प की। और मेरा यकीन हो गया कि हम इतनी बार कहते हैं कि बुरे लोग दुनिया में ज्यादा हैं, अच्छे लोग कम हैं, मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं। वाह वाह। और सब लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ मत करो, सबने, मेरे सब दोस्तों ने सबने ये कहा। और मैं सिर्फ आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूं कि कभी भी अगर दिल में ख्याल आए कि मैं कोई अच्छा कदम उठा रही हूं, उठा रहा हूं और कुछ नहीं होने वाला, ये सोच के कदम मत रोकना, कदम जरूर उठाना, क्योंकि सिर्फ एक कदम की जरूरत होती है अच्छे कदम की, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। सो नेवर स्टॉप फ्रॉम डूइंग गुड। समय तो खत्म हो गया, सामने दिखा रहे हैं टाइम साहब, मैं आपसे बस बहुत जल्दी वेरी क्विक एक सवाल जानना चाहता हूं, आपका कोई सपना है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। अब इसके बाद कुछ रह नहीं जाता कि कुछ कहा जाए या कुछ बोला जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सौम्या जी आप प्लीज मंच पर बने रहें। और अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी सीनियर एडिटर न्यूज 18 के अरुण पांडे जी को, जो कि सौम्या जी को मोमेंटो भेंट करके उनका अभिवादन करेंगे। तो न्यूज 18 के एडिटर, सीनियर एडिटर अरुण पांडे जी मंच पर मौजूद हैं, जो कि सौम्या टंडन जी को मोमेंटो भेंट करके उनका अभिवादन। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बेबाकी के साथ इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। 1200 plus